नमस्कार, इस वक्त हम फिर से उसी ट्रैफिक चौकी पर है जहां पर आयुष के गुम होने की खबर यहां पर मिली थी, क्योंकि ट्रैफिक चौकी के पुलिस वालों को आयुष यहां पर मिला था। और आयुष की देखिए चलते हुए खबर में लाइव कवरेज की आई बैन 24 की खबर का हर बार असर हुआ है, और इस बार भी लाइव कवरेज की खबर में ही जो है आयुष के मम्मा यहाँ पर मिल गए हैं, आयुष की मम्मी यहाँ पर मिल गए हैं। कहाँ पर छोड़कर गए थे आप बच्चे को? बच्चा यहाँ पर परेशान था, क्या कुछ बताना चाहेंगे कैसे ये आयुष यहाँ पर आया? जी दुकान पे गए थे जूते लेने इसके जी, और इनके साथ था ये, भाग गया वहाँ से। हम और कपड़े लेने लग गए थे और फिर देखा ये साथ में नहीं था, फिर सारे में ढूंढते, फिर सारे में देखा मिला नहीं, फिर यहाँ आए थे, फिर यहाँ मेरा बैठा मिला था। मैं कहाँ कहाँ ढूंढा था आपने आयुष? सारे में देखा था जी, मार्केट में, सारे में। सारी मार्केट में आपने देखा था? कहाँ से आप? रसूलपुर का। रसूलपुर गांव से हैं आप, और जो आपका बच्चा है वो बता रहा था कि ये फूसगढ़ गांव से है, कुछ ऐसे ही बता रहा था। आयुष अब कैसा लग रहा है आपको, आपके मम्मी मिल गए हैं? अच्छा लग रहा है। तो गए क्यों थे वहां से, भागे क्यों थे दुकान से? मम्मी के साथ रहना है हमेशा, ठीक है? और कौन कौन था आपके साथ में? जी तो इनके रिश्तेदार भी जो थे, देखिए शॉपिंग करने घर से निकले हुए थे। बाजारों में जो है आजकल बहुत ज्यादा भीड़ है, और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए किस तरह से आयुष, कितने साल का बेटा है आयुष? 5 साल का बेटा है। देखिए मेरी आप सभी से एक अपील है, एक सजेशन है, अगर आप माने तो भी ठीक, अगर नहीं माने तो भी ठीक, क्योंकि जब आपका जो बच्चा देखिए छोटा होता है, सोचने समझने की हालत में होता है, तो उसे अपने घर वालों का एक फ़ोन नंबर जरूर उसे याद करवाएं, अपने माता पिता का नाम उसे ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि ऐसी भी किसी स्थिति में वो अपने माँ बाप का नाम बता सके या फिर घर वालों का फ़ोन नंबर बता सके। जी सर, किस जब ये बच्चा मिला, किस तरह से आपके पास जानकारी मिली इस बच्चे के माँ बाप यहाँ यहीं पर शॉपिंग कर रहे थे? ऐसे है, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आपने मतलब हमारी मदद करी ट्रैफिक पुलिस की जी। तो उसमें ये लड़का ना यहाँ आया था, मेरा ट्रैफिक का जवान है, ट्रैफिक चला रहा था, मैं उधर साइड में चलान कर रहा था, तो ये लड़के को ले गया। उन्होंने कहा सर ये ना लड़का गुम हो गया है, माँ कोई नहीं इसको बैठाओ। बैठाने के बाद इसको हमने चाय पानी पूछी, चाय पानी दिए, बच्चे को हौसला दिया, इसे नाम नुम पूछा, जो कि इसने नाम बताया अपना आयुष, और इसने कॉलोनी का गलत एड्रेस बताया था, और लेकिन फिर भी हमने तसल्ली की थी यहाँ ऑटो वाला से ही, रिक्शा वाला से भी, कहीं ये लड़के को इसके हम सुरक्षित घर पहुँचाएं। तो इसलिए हमारा जो स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग, उसके हिसाब से हमने ये मदद की थी, जिसकी आपकी मदद के कारण इसके माँ बाप यहाँ आगे हैं, और उनके हवाले ले लिए हैं, उनसे हमने रिटर्न में ले लिया है, और उनको सचेत किया भाई अपने बच्चे को अपने साथ रखें। तो इसलिए हमारे को आपके माध्यम से ये बच्चा मिला है, हमारे को सभी पुलिस वालों को बड़ी खुशी हुई कि भाई ये बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया जी। तो यहाँ पर SHO रमेश सिंह IBN 24 का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोग से जो आज बच्चा है उसके माँ बाप उसको मिल चुके हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपका बच्चा यहाँ पर मिला था और किस तरह से आपको लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर महफूज था? हाँ महफूज था जी, ठीक था जी। आप बच्चे क्या हो? मामा जी हैं जी। बच्चे साथ में ही थे? हाँ साथ में थे जी हम। बच्चा किसके पास था? बच्चा हमारे पास इकट्ठे थे जी हम सभी, तो वहाँ बाजार में बिछड़ गया जी हमसे, फिर हम ढूंढते हुए यहाँ पे आए जी, यहाँ पे मिला जी। देखिए बच्चे ने अपने माता पिता के नाम की जानकारी दी थी, और एक और जानकारी दी थी कि वो डिंपल के पापा के रिक्शे में आया है, तो उसे डिंपल से मिल लेते हैं एक बार कि कौन था वो डिंपल, कौन था वो बेटा डिंपल? आप थे? अच्छा, हम दरअसल सोच रहे थे कि डिंपल किसी लड़की का नाम है, लेकिन डिंपल यहाँ पर एक बच्चे का नाम है। डिंपल के पापा के रिक्शे में, कौन है आपके पापा जिसके रिक्शे में आप आए थे? ठीक है, यानी कि वो अपने मामा को एड्रेस कर रहा था, मामा के बारे में बता रहा था कि मैं डिंपल के पापा के रिक्शे में यहाँ पर आया था। और देखिए हर बार की तरह IBN 24 की खबर का लगातार हम असर देखते जा रहे हैं, और आज भी जो IBN 24 की खबर का जो असर है वो हमें आज देखने को मिला, जिस तरह से आयुष यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को मिला था, और लाइव कवरेज में ही उसके मम्मी पापा को आज यहाँ पर आयुष मिल गया है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ इस खबर को शेयर करने के लिए और आप सभी के सहयोग के लिए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा। नमस्कार, इस वक्त हम फिर से उसी ट्रैफिक चौकी पर है जहां पर आयुष के गुम होने की खबर यहां पर मिली थी, क्योंकि ट्रैफिक चौकी के पुलिस वालों को आयुष यहां पर मिला था। और आयुष की देखिए चलते हुए खबर में लाइव कवरेज की IBN 24 की खबर का हर बार असर हुआ है, और इस बार भी लाइव कवरेज की खबर में ही जो है आयुष के मम्मा यहाँ पर मिल गए हैं, आयुष की मम्मी यहाँ पर मिल गए हैं। कहाँ पर छोड़कर गए थे आप बच्चे को? बच्चा यहाँ पर परेशान था,
क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे ये आयुष यहाँ पर आया? जी दुकान पे गए थे जूते लेने इसके जी, और इनके साथ था ये, भाग गया वहाँ से। हम और कपड़े लेने लग गए थे और फिर देखा ये साथ में नहीं था, फिर सारे में ढूंढते, फिर सारे में देखा मिला नहीं, फिर यहाँ आए थे, फिर यहाँ बैठा मिला था। मैं कहाँ कहाँ ढूंढा था आपने आयुष? सारे में देखा था जी, मार्केट में, सारे में, सारी मार्केट में आपने देखा था। कहाँ से आप? रसूलपुर का। रसूलपुर गांव से हैं आप, और जो आपका बच्चा है वो बता रहा था कि ये फूसगढ़ गांव से है, कुछ ऐसे ही बता रहा था। आयुष अब कैसा लग रहा है आपको, आपके मम्मी मिल गए हैं? अच्छा लग रहा है। तो गए क्यों थे वहां से, भागे क्यों थे दुकान से? मम्मी के साथ रहना हमेशा, ठीक है? और कौन कौन था आपके साथ में? जी तो इनके रिश्तेदार भी जो थे, देखिए शॉपिंग करने घर से निकले हुए थे। बाजारों में जो है आजकल बहुत ज्यादा भीड़ है और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए किस तरह से आयुष, कितने साल का बेटा है आयुष? 5 साल का बेटा है। देखिए मेरी आप सभी से एक अपील है, एक सजेशन है, अगर आप माने तो भी ठीक, अगर नहीं माने तो भी ठीक, क्योंकि जब आपका जो बच्चा देखिए छोटा होता है, सोचने समझने की हालत में होता है, तो उसे अपने घर वालों का एक फोन नंबर जरूर उसे याद करवाएं, अपने माता पिता का नाम उसे जरूर पता होना चाहिए, ताकि ऐसी भी किसी स्थिति में वो अपने माँ बाप का नाम बता सके या फिर घर वालों का फोन नंबर बता सके। जी सर, किस जब ये बच्चा मिला, किस तरह से आपके पास जानकारी मिली इस बच्चे के माँ बाप यहाँ यहीं पर शॉपिंग कर रहे थे? ऐसे है, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आपने मतलब हमारी मदद करी ट्रैफिक पुलिस की जी। तो उसमें ये लड़का ना यहाँ आया था, मेरा ट्रैफिक का जमाना ट्रैफिक चला रहा था, मैं उधर साइड में चलान कर रहा था, तो ये लड़के को ले गया। उन्होंने कहा सर ये ना लड़का गुम हो गया है, माँ कोई नहीं इसको बैठाओ। बैठाने के बाद इसको हमने चाय पानी पूछी, चाय पानी दिए, बच्चे को हौसला दिया, इसे नाम नुम पूछा, जो कि इसने नाम बताया अपना आयुष, और इसने कॉलोनी का गलत एड्रेस बताया था, और लेकिन फिर भी हमने तसल्ली की थी यहाँ ऑटो वाला से, ई रिक्शा वाला से, भाई कहीं ये लड़के को इसके हम सुरक्षित घर पर आए, तो इसलिए हमारा जो स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग, उसके हिसाब से हमने ये मदद की थी, जिसकी आपकी मदद के कारण इसके माँ बाप यहाँ आगे हैं और उनके हवाले ले लिए हैं, उनसे हमने रिटर्न में ले लिया है और उनको सचेत किया भाई अपने बच्चे को अपने साथ रखें। तो इसलिए हमारे को आपके माध्यम से ये बच्चा मिला है, हमारे को सभी पुलिस वालों को बड़ी खुशी हुई कि भाई ये बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया जी। तो यहाँ पर SHO रमेश सिंह IBN 24 का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोग से जो है आज बच्चा है उसके माँ बाप उसको मिल चुके हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपका बच्चा यहाँ पर मिला था और किस तरह से आपको लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर महफूज था? हाँ महफूज था जी, ठीक था जी। आप बच्चे क्या हो? मामा जी हैं जी। बच्चे हाँ साथ में थे जी हम। बच्चा किसके पास था? बच्चा हमारे पास इकट्ठे थे जी हम सभी, तो वहाँ बाजार में बिछड़ गया जी हमसे, फिर हम ढूंढते हुए यहाँ पे आए जी, यहाँ पे मिला जी। देखिए बच्चे ने अपने माता पिता के नाम की जानकारी दी थी और एक और जानकारी दी थी कि वो डिंपल के पापा के रिक्शे में आया है, तो उसे डिंपल से मिल लेते हैं एक बार कि कौन था वो डिंपल, कौन था वो बेटा डिंपल? आप थे? अच्छा, हम दरअसल सोच रहे थे कि डिंपल किसी लड़की का नाम है, लेकिन डिंपल यहाँ पर एक बच्चे का नाम है। डिंपल के पापा के रिक्शे में, कौन है आपके पापा जिसके रिक्शे में आप आए थे? ठीक है, यानी कि वो अपने मामा को एड्रेस कर रहा था, मामा के बारे में बता रहा था कि मैं डिंपल के पापा के रिक्शे में यहाँ पर आया था। और देखिए हर बार की तरह IBN 24 की खबर का लगातार हम असर देखते जा रहे हैं, और आज भी जो IBN 24 की खबर का जो असर है वो हमें आज देखने को मिला, जिस तरह से आयुष यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को मिला था और लाइव कवरेज में ही उसके मम्मी पापा को आज यहाँ पर आयुष मिल गया है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ इस खबर को शेयर करने के लिए और आप सभी के सहयोग के लिए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा। नमस्कार, इस वक्त हम फिर से उसी ट्रैफिक चौकी पर है जहाँ पर आयुष के गुम होने की खबर यहाँ पर मिली थी, क्योंकि